कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था दोस्तों, अभी तो पूरी किताब बाकी है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो दोस्तों हार भी हमें हरा नहीं सकती। कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो दोस्तों, जिद और दृढ़ विश्वास से ज़रूर पूरा किया जा सकता है। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो एक समय में एक काम करो, और उस समय में उस काम को करते समय उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। फ्रेंड्स, सब कुछ ख़त्म तब तक नहीं होता जब तक आपका जीवन बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब तक आपका जीवन बचा हुआ है तो हार नहीं माननी है, हमें अपना कर्म करते ही जाना है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपना चरित्र ऐसे बनाए रखना है कि हम किसी की ज़रूरत को पूरा भी करते हैं ना, तो उसको ज़रूरत को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारी वैल्यू सामने वाले के सामने ख़त्म हो जाती है। जय भोलेनाथ की। चिंता किस बात की। फ्रेंड्स, मैं हूँ माला और माला ब्लॉग्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हो गई है सुबह के, बज गए हैं 5:30 और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर बाहर की साफ़ सफाई कर रही हूँ और बाहर से मैं धो रही हूँ। तो हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर धोती हूँ, अपने घर को साफ ज़रूर करती हूँ धोकर। अब लगा लेती हूँ मैं पोछा और उसके बाद मैं नहा कर करूँगी पाठ पूजा। तो फ्रेंड्स, भगवान कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने विश्वास को बनाए रखना है, जो भी आप कर्म कर रहे हो उस कर्म को करते ही जाना है। और भगवान कहते हैं तलाश ना कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में मैं नहीं हूँ तो कहीं भी नहीं हूँ। तो अपने दिल से ईश्वर को सच्चे दिल से याद करो, वो आपके पास ही है और कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देखियो वही होगा जो तू चाहता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपना बस कर्म के ऊपर ध्यान रखना है। और भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही खड़े रहें, क्योंकि हमारे आसपास हमारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें निराशा की ओर ले जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। तो हमें उन लोगों से बचना है और अपने कर्म को करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं छत पर नहीं, नीचे ही सूरज देवता को जल चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज फिर मैं लेट हो गई हूँ और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है सुबह। और इस तरह से किचन में भी मैंने अगरबत्ती लगा दी है रोज़ की तरह। तो फ्रेंड्स, आज है अमावस्या और आज बनानी है मुझे खीर। तो यहाँ पर मैं खीर चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर चावल मैंने पहले से ही भिगो दिए थे, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर खीर चढ़ा दी है। अब मैं फ्रेंड्स बनाऊँगी आज कढ़ाई पनीर। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर लिया है मैंने ये थोड़ी सी सौंफ, जीरा और साबुत धनिया और दालचीनी, और ये है थोड़ी सी काली मिर्च, और इनको मैं हल्के से रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें यहाँ पर। उसको रोस्ट करने के बाद इसका एक पेस्ट बना लूँगी, पीस लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, इसको पीसने के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर इस मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आती है और जो टेस्ट है सब्ज़ी का बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स, मसाला मैंने पीस लिया है ठंडा करके। अब ये देखिए ऑयल डाल लिया है मैंने, उसके अंदर मैं ये शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करके निकाल लूँगी। तो यहाँ ये फ्राई कर ली है मैंने। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने दो जो प्याज ली है उसको हल्का सा चॉप किया है, ज़्यादा फाइन नहीं करना है, बस अब थोड़ा सा दरदरा ही हमें प्याज को रखना है। इसको आप भून लेंगे, और देखिए यहाँ पर प्याज भी भून गई है और साथ में मेरी खीर भी चढ़ रही है। तो दोनों चीज़ें मैं साथ साथ करूँगी, और इसमें डालूँगी एक चम्मच कश्मीरी मिर्च, और इसको भी अच्छे से हम प्याज भुनने के बाद इसको भी भून लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे हम 3 टमाटर पीसे हुए। तो यहाँ पर टमाटर को भी हमें अच्छे से भुनना है, और एक बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है जब तक हमारे मसाले और ये अच्छे से भून ना जाए। तो इसमें मैं डालूँगी आधा कटा हुआ एक टमाटर, और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ लिया मैंने ये
किचन किंग मसाला, चाट मसाला और एक चम्मच कश्मीरी मिर्च। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ पर धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी ली है और ये डाल लेंगे। नमक मैं अभी नहीं डालूँगी और इस तरीके से यहाँ पर इस मसाले को हम भून लेंगे फ्रेंड्स अच्छे से। तो यहाँ पर मसाला भुना जा रहा है। तो ये मैं अपनी फैमिली और बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो काफ़ी दिनों से वो डिमांड भी कर रहे थे कि कुछ अच्छा सा नहीं बना रहे मम्मी, तो कसूरी मेथी भी चाहिए हमें, इसको बाद में यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मसाला भुन गया है हमारा और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है ना, आपको उतनी ही ग्रेवी पहले ही तैयार करनी है। और इसके अंदर डालेंगे हम अपनी फ्राई की हुई शिमला मिर्च और प्याज। प्याज को डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम पनीर। तो हमें जितना भी आप पनीर चाहो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मसाला बना लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, और ये जो कसूरी मेथी थी इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए लास्ट में है ये जो पिसा हुआ मसाला हमने स्टार्टिंग में रोस्ट किया था ना, वही उसको बस एक चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिर्च हो जाएगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, और क्रीम डालने के बाद हमें फ्रेंड्स सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए क्योंकि फिर जो क्रीम है वो फट जाती है और उससे स्वाद भी नहीं अच्छा आता है। तो बस इसको ये बन गई है, देखें यहाँ पर कितना बढ़िया इसका कलर आया है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। फ़िलहाल ये सब्जी फैमिली के लिए बन रही है, मैं इसको नहीं खाऊँगी क्योंकि मैं तो आपको पता ही है मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। अब फ्रेंड्स लास्ट में मैं डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि हम जब मसाला भूनते हैं और क्वान्टिटी होती ना सब्जी की बनाने के बाद वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसके हिसाब से मैं जो नमक है वो बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नमक भी मैंने डाल दिया है। अब मैं कर रही हूँ अपने छोटे बेटे के लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि उसके तो इस एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। तो फ्रेंड्स खीर भी हमारी बन गई है, उसमें मैं चीनी डाल देती हूँ, अपने हिसाब से ही मैं डालती हूँ, कोई इसके अंदर मेजरमेंट नहीं है, बस अपने अंदाजे से मैं चीनी इसके अंदर डालती हूँ। तो फ्रेंड्स खीर भी हमारी बन गई है, हो गई है तैयार, देखिए कितनी बढ़िया खीर बनी है हमारी। और इसमें अब मैं डालूंगी यहाँ पर ये बादाम और किशमिश। तो यहाँ पर 4 से 5 किशमिश ली है क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ये बादाम इसके अंदर डाल दूंगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी हमारी जो है खीर है वो भी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए आगे का काम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ पूरी के लिए आटा तैयार। तो यहाँ पर आटा ले लिया, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी। और फ्रेंड्स इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर ये जो पूरी गर्म करने के लिए तेल गर्म हो रहा है उसमें से ही तेल लूँगी, और इसके 2 चम्मच तेल डालकर इसका ही बढ़िया सा मैं आटा गूंथ लूँगी, आटा बना लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही इस तरीके से आप आटा गूंथोगे ना तो आपकी पूरियाँ बहुत ज़्यादा फूली फूली और कुरकुरी बनती है। तो यहाँ पर पूरियाँ बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी गर्म गर्म मैं निकाल रही हूँ, तो पूजा के लिए और अपने छोटे बेटे के ब्रेक लंच के लिए मैं पूरियाँ बना रही हूँ यहाँ पर, और बाकी सबके लिए बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए हो गई है पूरियाँ तैयार। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ अपने बेटे के लिए लंच पैक, क्योंकि उसका तो स्कूल चल रहा है, बड़े वाले की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर लंच भी मैंने पैक कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए पूजा, क्योंकि ये जो अमावस्या होती है ये हमारे पितरों की के लिए होती है, उनको शांत रखने के लिए होती है, तो ये ज़रूर निकालनी चाहिए हमें हर महीने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब मैं भी धूप खा लूँगी और परिवार के सारे सदस्य धूप खा लेंगे, क्योंकि ये हमारे पितर हैं तो हमारे साथ रहते हैं, तो हमें इनको भी हर महीने पूजना चाहिए, इनके लिए हमें पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे बड़े बेटा और इसने क्या काम करा है, कल ये साइकिल चला खेल रहा था तो भागते भागते इसने अपने घुटने फोड़ लिए, और देखिए कितनी ज़्यादा इसके चोट लग गई है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आएगा, नहीं रुकेगा, खेलेगा ज़रूर, इसका खेल ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसके दवाई लगा देती हूँ, और इसके दोनों घुटने लग गए हैं और हाथ भी छिल गया, देखिए यहाँ पर कोनी यहाँ पर भी लग गई है। तो यहाँ पर दवाई लगा देती हूँ मैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए चला गया खेलने के लिए, तो इनको नहीं रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब कर रही हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज,
तो जो भी एक्सरसाइज करनी है हमें, आप योगा करें, वॉकिंग करें, या फिर जो भी एक्सरसाइज करें स्टार्टिंग में थोड़ी सी इजी ही करें। तो यहाँ पर मैं 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे स्टार्टिंग के दिन चल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करने लग गई तो फिर मैं सारा दिन थक जाऊँगी और अपना बाकी का काम भी नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमें अपना ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए रखना है अपनी वेट लॉस की जर्नी में कि जिसके अंदर 30% हमारी एक्सरसाइज हो और साथ में 70% हमारा खाना पीना हो, हेल्दी खाना पीना डाइट हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें करती हूँ। तो 10 मिनट्स में एक्सरसाइज करती हूँ और 10 मिनट्स में योगा करती हूँ। तो फ्रेंड्स भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज और योगा होने वाली है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसके बाद मैं क्या करूँगी। हमें एक्सरसाइज और योगा जब भी आप करो ना, उसके तुरंत बाद ही आपको पीना है गरम अपना फैट कटर ड्रिंक। तो फ्रेंड्स, रात को ही मैंने ये क्या कहते हैं सौंफ भिगो दी थी और इसका आज मैं फ़र्स्ट टाइम पानी पी रही हूँ, तो इसका टेस्ट तो मेरे को अच्छा लगा है। तो हमें एक्सरसाइज के तुरंत बाद ही इसको पीना है। तो नाश्ता देखिए, ये मैं ले रही हूँ, आज मैं ले रही हूँ वाटरमेलन, क्योंकि आज मैंने चाय स्किप करी है। चाय अगर मेरा मन किया तो मैं शाम को पीऊँगी, तो आज सुबह मैं वाटरमेलन खाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ लंच के लिए ये ग्रीन चटनी। तो यहाँ पर पुदीना लिया है मैंने और अमिया और पुदीने की चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, पुदीना डाल लिया है मैंने और इसके अंदर डालूँगी एक अमिया और 5 से 6 हरी मिर्च और इन और 2 लहसुन। तो इस तरीके से हमें इसकी चटनी बनानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक डालूँगी। तो नमक कम होगा तो मैं बाद में डालूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये पीस गई है, हरी चटनी हो गई है तैयार हमारी। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा नहीं पीसना, फाइन चटनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब अमिया और पुदीने की चटनी बनाना है तो हमें जो अमिया है थोड़ी सी दरदरी रखनी है, जब ही आपको चटनी का स्वाद अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट आएगा। अगर आप इसको फाइन पीस लोगे ना तो जो ये अमिया है इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये बना ली है मैंने। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाऊँगी अपने लिए सब्ज़ी लंच के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने आलू और यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर, तो आधा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। तो देखिए, यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालूँगी ज़रा सा जीरा, और जीरा भी मेरा भून गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम डालेंगे इसके अंदर यहाँ पर ये एक कटा हुआ टमाटर और एक हरी मिर्च। तो यहाँ पर इसको भी मैं डाल देती हूँ और इनको भी अच्छे से भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी मैं हरी सब्ज़ी अपने लिए बना रही हूँ। जो सुबह मैंने बनाई थी कढ़ाई पनीर, वो नहीं खाऊँगी। इस तरीके से फ्रेंड्स, अब ये देखिए, मैंने अब बाकी सब्ज़ी भी डाल दी है और इनको भी अच्छे से भून लूँगी। और इनमें मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च डालकर मसाले के साथ इसको भून लिया है मैंने। इसमें पानी डालकर अब हम इसमें हम सीटी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी लंच की थाली। देखिए, यहाँ पर है अमिया और पुदीने की चटनी जो मैंने अभी बनाई थी, और ये गाजर, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी है कटोरी, और यहाँ पर है दही और एक रोटी, और यह है सलाद। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमें वेट लूज़ करना है तो अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देना है, उससे वेट लूज़ नहीं होगा, उसके बाद आपके शरीर में कमज़ोरी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम के लिए अगर आप सोचते हो कि खाना छोड़ देने से ही वेट लूज़ होता है, तो आपका शरीर तो हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, लेकिन पतला हो जाएगा आपका शरीर, लेकिन जो वीकनेस है ना, वो आपकी बॉडी में बनी रहेगी। तो आपकी वीकनेस ना हो और वेट लूज़ भी हो जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी है, और दही भी लेनी है, और सलाद भी लेना है, और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी है। तो इस तरीके से हम जब ऐसा कॉम्बिनेशन रखेंगे ना, तो हमारा जो वेट लूज़ भी होता रहेगा साथ साथ, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही है मेरा लंच की थाली। तो चलिए, इसको मैं भी 32 बार खाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं शाम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब बज रहे हैं शाम के 4। तो अब मैं ले रही हूँ ये थोड़े से चने और आधा कप जितनी चाय, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने चाय नहीं पी थी, तो अब मुझे थोड़ा सा सर दर्द सा लग रहा है, हल्का हल्का सा।
और सुस्ती सी भी आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चाय लूँगी और थोड़े से ये चने। तो इसके बाद भूख लगेगी तो कुछ एक गिलास दूध ले लूँगी रात को मैं, इसके बाद कुछ नहीं लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की जो मेरी डाइट की एक्सरसाइज और जो मैंने आज अपनी रेसिपी शेयर की आपसे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।